शुदा बच्चों लिए चैटबॉट अते बच्चों अते औरतों के अधिकारों लिए रखी गई स्टेकहोल्डर्स वर्कशॉप ते निघा स्वागत करते हैं। बच्चों के नाल जाति जे करे कोई मनुख इस तो वड्डा पाप नहीं ना ही कोई इस तो वड्डा दुख। गुम होए जो बच्चे ने सब भी करांगे पाल कलियां ही फुल बांधियां जेकर होए संभाल। समागम नूं अगे वधांदे होए मेहमानयोग स्पेशल डीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन एंड वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स गुरप्रीत दियो मैम नूं बेनती करदी हां कि वह मंच ते आके सारे मेहमानां दा निघा स्वागत करन। थैंक यू दर्पण। अज दे समागम विच बतौर मुख मेहमान विराजमान हरमन प्यारे श्री भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब जी नूं मैं डीजीपी पंजाब अते समूची पंजाब पुलिस वल्लों अज दे समागम विच उचेचे तौर ते पहुंचन ते निघा स्वागत करदी हां अते जी आईयां आखदी हां। नाल ही इस समागम विच शिरकत कर रहे डॉक्टर बलजीत कौर कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, जस्टिस निर्मलजीत कौर मैंबर पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पंजाब पुलिस दे मुखी श्री गौरव यादव IPS नूं भी जी आया आखदी हाँ। इस समागम विच पंजाब पुलिस दे सीनियर पुलिस अफसर, समाजिक सुरक्षा विभाग दे जिलियां विच तैनात प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, स्टेट लीगल सर्विसेज दे जज साहबान अते उन्हां दी टीम, वक् वक् जिलियां विच तैनात चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज दे चेयरपर्सन जो कि विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट वालों उन्हां दा चोन किया जाता है वह सारे जिलियां तो वह भी हाजिर हैं अते समाज सेवी संस्थावां दे नुमाइंदे भी हाजिर हैं। तुहाडा सारियां दा अते प्रेस अते मीडिया दा भी मैं दिल दी गहराइयां तो स्वागत करदी हां। आम तौर ते वेख्या गया है कि आम नागरिक जदों पुलिस दे कोल किसी कम लई जांदा है तां कई वार उसनू इंतजार करना पैंदा है और उसकी सुनवाई ठीक तरीके नाल नहीं कीती जांदी। जदों किसी परिवार का बच्चा लापता हो जांदा है अते उसकी सुनवाई विच देरी हुंदी है तां उस गुमशुदा बच्चे नू लभण विच पुलिस गोल्डन आवर का फायदा नहीं उठा पाती अते बच्चों की तस्करी करन वाले बच्चे नू उन्ने समय विच कितों ते किते पहुंचा देंदे हन और उसनू लभण विच फिर मुश्किलां आंदियां हन। इसलिए पंजाब पुलिस विच श्री गौरव यादव DGP पंजाब जी दी रहनुमाई हेठ एक हेल्पलाइन संबंधी उपराला कीता गया जो कि एहो जी घटनावां जो बच्चियां संबंधी हन जिन्हां विच तुरंत एक्शन लैण दी लोड़ हुंदी है सीनियर पद्धर ते जानकारी मिलन नाल जिला अते पुलिस स्टेशन पद्धर ते पुलिस दे रिस्पोंस टाइम नू कट करेगी और पुलिस नू सुचेत कीता जावेगा बच्चे नू लभण दी कारवाई ताकि जल्द तो जल्द शुरू कीती जा सके और इस विच कोई देरी ना होवे। सो इस चैटबॉट हेल्पलाइन नू पंजाब पुलिस दा कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन मॉनिटर करेगा। मैं आस करदी हां कि जदों अज सरदार भगवंत मान मुख्यमंत्री जी हेल्पलाइन दी शुरुआत करन तां नाल ही एक संवेदनशीलता दी लहर नूं भी आम लोकां विच जागृत करन तां जो असी साडे आले दुआले हो रहे बच्चियां दे शोषण नूं देखदे होए भी मूक दर्शक ना बनीए अते कोशिश करिए कि बच्चों के शोषण संबंधी कोई मसला साढ़े सामने आता है तो घटो घट पुलिस स्टेशन जाके नहीं तो हेल्पलाइन का उपयोग करके इस तरह के शोषण नू पुलिस नू रिपोर्ट करिए। मैं आस करती हाँ कि यह हेल्पलाइन आम नागरिक दे लई लाहेवंद होवेगी अते आउन वाले दिनों विच पंजाब पुलिस महिलावां अते बच्चों की समस्यावां संबंधी अपनी कारगुजारी नू बेहतर बनाएगी अते बाकी स्टेकहोल्डर्स नाल जिवें कि महिलावां अते समाजिक सुरक्षा विभाग लेबर डिपार्टमेंट दे नाल बच्चियां दे हितां लई होर नवे अते सार्थक कदम चुकेगी। इन्हां शब्दां नाल मैं तुहाडा फिर तहे दिल तो धन्नवाद करदी हां। जय हिंद।
धन्यवाद मैम। हुण NGO प्रसन्न चेतस फाउंडेशन वल्लों एक नुक्कड़ नाटक पेश कीता जाएगा। सर, ये जिहड़े NGO दे बच्चे ने इन्होंने चंडीगढ़ के स्लम्स तो ही अडोप्ट किया है। आओ इन्हां दी हौसला अफजाही लई इन्हां दा जोरदार तालियां नाल स्वागत करिए।
जिथे बाल कलाकारा ने सानू एक जरूरी सुनेहा दिता उथे सारे बड़ी प्रशंसा दे पात्र वे हन। हुण मैं मानयोग सीएम साहब नू बेनती करदी हाँ कि वह मंच ते आके अज दे समागम की रश्मी शुरुआत जोत प्रकाश करके करन। इहदे नाल ही मैं डॉक्टर बलजीत कौर मैडम कैबिनेट मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी विमेन एंड चाइल्ड अफेयरस नू बेनती करदी हाँ कि वह भी सर नू ज्वाइन करन। डॉक्टर निर्मलजीत कौर मैंबर पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑनरेबल डीजी सर मैं रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज़ नू बेनती करदी हाँ कि वह मंच ते अपनियां सीटां ते विराजमान हो। अज दे इको फ्रेंडली युग नू देखदे हुए साडे एस्टीम्ड गेस्ट नू असी हरे पौद्यां नाल स्वागत करांगे। साडे अज दे मुख मेहमान मानयोग सीएम साहब, डॉक्टर बलजीत कौर मैम, जस्टिस निर्मलजीत कौर मैम, ऑनरेबल डीजी सर,
एंड गुरप्रीत दियो मैम। हुण मैं मानयोग डीजी साहब नूं बेनती करदी हाँ कि वह अज दे समागम दे बारे अपने कुछ विचार साडे नाल सांझे करन। अज दे समागम दे मुख मेहमान सरदार भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब, डॉक्टर बलजीत कौर कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, जस्टिस निर्बलजीत कौर ते सारे स्टेक होल्डर्स, पंजाब पुलिस के अफसर, मैंबर्स ऑफ द मीडिया। सब तो पहले मैं दसना चाहवांगा कि साडा कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजैक्ट 2011 तो अंडर ऑपरेशन हैगा सांझ दे बैनर हेठ। तो इस दे बैनर हेठ असी बहुत सारे कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लाए हैगे। तो जिहड़ी सर्विसेज होंदी है जिहड़ी लोगों नू पासपोर्ट वेरीफिकेशन दी, FIR DDR दी कॉपी लैन दी, होर परमिशनस लैन दी, इन्हां नू असी पुलिस स्टेशन तो डीलिंक करके एक फ्रेंडली एनवायरमेंट दे के जिवें असी सांझ केंद्र सैट किए हैगे। साढ़े 28 जिला सांझ केंद्र हैगे हर डिस्ट्रिक्ट दे डिस्ट्रिक्ट लैवल ते 114 सब डिविजनल सांझ सेंटर ते 382 पुलिस स्टेशन आउटरीच सेंटर फंक्शन स्टेट दे विच फंक्शनल हैगे। पिछले साल दे विच एक साल दे विच मैं सीएम साहब नूं दसना चाहवांगा कि 24 लाख सेवावां असी लोगों नूं मुहैया कराईआं, जिस दे विच 11 लाख पासपोर्ट वेरीफाई किए ते 13 लाख होर सर्विसिज इन सिटीजन फ्रेंडली वे लोगों नूं प्रदान की गई हैं। हर पुलिस स्टेशन दे विच 382 जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन हैगे, जिहड़े NRI पुलिस स्टेशन या महिला पुलिस स्टेशन, स्टेट दे विच 10 विमेन पुलिस स्टेशन भी फंक्शनल हैगे। इन्हां तो अलावा इस दे विच असी विमेन डेस्क फंक्शनल कीती हैगी, जिस दे विच साडे विमेन पुलिस ऑफिशियल्स जिन्हां दे विच पंजाब पुलिस महिला मित्र असी इन्हां नूं नां दित्ता हैगा, इन्हां दे विच कई ऑफिसर्स विमेन ऑफिसर्स इत्थे इत्थे फंक्शन दे विच भी हैगी। तो इन्हां ने टोटल 876 महिला पुलिस कर्मचारी ड्यूटियां निभा रही हैं। तो जिहड़े लोगों की शिकायतें जिहड़ी स्पेसिफिक विमेन रिलेटेड इशूज़ होंदी हैं उन्हां नूं रिड्रसल करदे हैं। 2,58,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इस दे नाल ही महिलावां बच्चियां अते सीनियर सिटीजनस नूं समर्पित एक हैल्पलाइन 181 डेडीकेटेड राउंड द क्लॉक 24/7 फंक्शनल हैगी पंजाब पुलिस की, जिस दे विच 89,156 शिकायतों का निपटारा किया गया पिछले एक साल के। सो अज के दिन इसी उपराले नू अगे ले जाते हुए जी चैटबॉक्स हैल्पलाइन स्पेसिफिकली जी मिसिंग चिल्ड्रन ऑनरेबल CM साहब लॉन्च करेंगे, इस तो असी पब्लिक और पुलिस के जी दूरी हैगी उसनू होर नेड़े लैके जावांगे ते पुलिस सर्विसेज लोगों नू बैटर तरीके नाल इफेक्टिव तरीके नाल डिलीवर करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। हुण मैं डॉक्टर बलजीत कौर मैडम नूं भी बेनती करांगी कि वह अज दे समागम दे बारे अपने विचार साडे नाल सांझे करन। मैम अज दे इस प्रोग्राम दे मुख मेहमान सरदार भगवंत सिंह जी मान मुख्यमंत्री पंजाब, DGP साहब, ADGP मैम, सारे ही रिस्पेक्टेबल डिग्निटीज, NGOs और प्यारे प्यारे बच्चे जिन्होंने इन्ना वधिया परफॉर्म किया। सब तो पहला तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहांगी कि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बच्चियां दे गुम होण दा इस दे उपर काम किया। और मैं कहांगी कि एक इस तरह दे डिपार्टमेंट ने जिसनूं असीं आम लोगों के एक इमोशनलैस डिपार्टमेंट कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि लोगों के भावना होंगी है कि यह जो डिपार्टमेंट है ये जो पुलिस कर्मचारी ने यह भावना तो दूर रह के काम करते हैं, हालांकि उन्होंने डिपार्टमेंट ही इस तरह का होंगे। सो बहुत बहुत मुबारकबाद जो आप एक बच्चों के गुम होने जो चैटबॉट जड़ा सॉफ्टवेयर लॉन्च करन जा रहे हैं ते उस दे विच जड़ी मेरा डिपार्टमेंट काम करता है वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट, मैं ये भी कहना चाहांगी कि साडा डिपार्टमेंट सिर्फ बच्चियां दे गुम होने की गल नहीं करता, साडा डिपार्टमेंट बचपन दे गुम होने की गल भी करता है, क्योंकि पंजाब दे विच
बहुत सारे बच्चे इस तरह के ने जिहड़े साढ़े समाज की विरती दे कारण जिहड़े साढ़े समाज की अर्ध विकसित सोच दे कारण अपना बचपन गवा देंदे ने। सो बच्चों का गुम होना सुभाविक नहीं हुंदा या बच्चों का गुम होना कुदरती नहीं हुंदा, ये साढ़े समाज की अर्ध विकसित सोच का हिस्सा हुंदा। जदों के बहुत सारे बच्चे जिहड़े के किडनैप कर ले जांदे ने, उन्होंने बैगरी च इनवॉल्व किया जाता है, या बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी होंदे ने जिहड़े के समाज एक्सैप्ट नहीं करता, तो उन्होंने मावां इस तरह ही वांझे थावां दे उपर किते सुट जांदियां ने। सो कुछ दिन पहला ही मेरे कोल एक कपल आया सी, और वह भी पुलिस डिपार्टमेंट विच सी, रैंक की सी आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट, कि उन्होंने एक बच्चा गली विच पिया होया उन्होंने मिलिया जो बहुत ही इंजर्ड हालत दे विच सी। बच्चा उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, 7-8 महीने लगे रहे, और उस तो बाद जदों उन्हें अडोप्ट करना सी तां जो असी चाइल्ड अडोप्शन एक्ट दे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटड प्रोसीजर्स हुंदे ने, तो उहदे विच हुंदा है कि जिहड़े पहला लाइन च लगे ने पेरेंट्स उन्होंने ही बच्चा दिता जाएगा, पर उन्हां दियां इमोशंस इन्नियां ज़्यादा मेरे कोल आके सारा परिवार ही रोण लग गया कि यह बच्चा सानू ही मिलना चाहिए, किसी ना किसी तरह यह सानू दवाया जाए। सो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिदे ते यह काम शुरू किया गया, और मैं दिलों यह उम्मीद करती हाँ कि इसनू आपां बहुत सोहने तरीके दे नाल सिरे चढ़ांगे। सो कुछ अचीवमेंट्स जो साडे डिपार्टमेंट ने भी शुरू कीतियां सी जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी सी सरदार भगवंत सिंह जी मान की अगवाई दे विच, असी 2022 दे विच जदों पिछे जे छुट्टियां हुंदियां बच्चों महीने दियां, तां उदों असी कोशिश कीती सी कि जड़े बच्चे स्लम एरियाज ने जां जड़े बच्चे अपने माँ बाप मजदूरी च होण करके स्कूलां तों पासे हो जांदे ने, स्कूल छड्ड दिंदे ने, भी उन्होंने दोबारा असी स्कूलों वाल लैके आईए। तो असी प्रोग्राम शुरू किया सी विद्या प्रकाश स्कूल वापसी का आगाज, उहदे विच तकरीबन 466 बच्चे इस तरह के सी जिन्होंने असी एनरोल करके दोबारा स्कूलों विच भेजिया सी। सो ये मान साहब की सुचज्जी अगवाई दे विच सारा काम होया सी। तां मैनूं याद है कि इस तरह जिवें अज इह बच्चे इत्थे नुक्कड़ नाटक कर रहे सी, तां मुक्तसर दे विच उन्हां बच्चों तो ही असी फंक्शन करवाया, तो एक छोटा जिहा बच्चा जो स्लम एरिए तो सी उसनूं कुड़ियां दी ड्रैस पवा के डांस उसने बहुत सोहना किया, तो मैं उसनूं बुला लिया, तो पिछे जो बैनर लग्या होया सी उत्थे मान साहब की फोटो सी, मैं उन्हूं पुछया भी तू तैनूं पता है कौन है, तो वह कहिंदा भगवंत मान। तो मैं उसनूं पुछया भी तैनूं पता है पंजाब दे मुख्यमंत्री ने, तो इन्होंने कहा भी कोई भी बच्चा स्कूलों जिहड़ा जांदा है भी स्कूल हर बच्चे नूं जाणा, किसी भी बच्चे नूं इस तरह नहीं होना चाहिए भी वह स्कूल ना जाए, तो तू भी अज तो बाद स्कूल जाया करेंगा। तो उसका अगो जवाब सी, तो फिर कहिंदा कि भगवंत मान मेरा डांस देख आएगा। तो मैं क्या हाँ मान साहब जरूर तेरा डांस देख आएंगे, तो बच्चा बहुत खुशी दे विच नचदा होया कहिंदा कि मैं स्कूल जाऊँगा। सो ये एक उम्मीद सी, एक सुपना सिरजना शुरू होया। तो मैं कहांगी कि इस तरह के सुपने जदों साडे बच्चे सिरजन लग जान, हर वर्ग के बच्चे भावें मजदूर के बच्चे गरीब के बच्चे, तो मैनूं लगता है कि असी पंजाब आने वाले पंजाब दियां जिहड़ियां नीहां ने वह मजबूत करन च कामयाब होवांगे, और असी ये कोशिश करन विच भी लगातार लगे हुए हैं। सो अंत विच मैं कुछ कु लाइना सिर्फ इस चीज़ ते बोलांगी जो कि मेरे फादर साहब दी लिखी हुई हैं, प्रोफेसर साधु सिंह, बचपन एक कविता सी उन्हां दी जिहदे विच दो तरह के बचपन नूं डिफाइन किया गया, कि बचपन इस तरह का भी हुंदा जिथे सानूं लगता है कि यह बचपन बार बार आवे, ये बचपन कदे ना जावे, तो बचपन इस तरह का भी हुंदा जिसनूं इमेजिन करन वेले भी सानूं खौफ आउंदा। सो दो मिनट ही मैं खत्म करांगी कि देखा मैं एक सोहने बाग च इस्त्रियां दी टोली,
अगे ला बच्चे दी गड्डी रोड़न हौली हौली चुकन चुमन कुटन फड़ फड़ सीने नाल लगावन डुसके तां चट देन लोरियां गीतां नाल वरावन तक उस दे सिर उपर छाया सुख जीवन दा साया काश होवां मैं भी इक बच्चा जी मेरा ललचाया इन्ने नू जां तुरदा तुरदा होर अगेरे आया धूएं धूड़ ते मिट्टी ने आ रुख मेरा पलटाया सिखर दुपहरे इट्टां पट्टे मजदूरां दी ढाणी बुढ़ियां कुड़ियां ते मुटियारां होईयां हाणी हाणी उन्हां चों कुछ दूरी उत्ते विलकण बाल न्याणे कम नबेड़न दी काली विच सुट्टे भुखे पाणे हथ किसे दे चिब्बी कौली जां फिर बेही रोटी बेसबरे हो चूंडन चबण बख्शिश वर्गी बोटी कूले कूले अंग उन्हां दे कीते तुप्पा काले रैन सदा ही नंग तड़ंगे की हाड़े की स्याले तक बचपना इंज विलकदा पर उठिया दिल हावे बॉडी मैं ता मान लिया है मुड़ना बचपन आवे सो असी ये रोंदा विलकदा बचपन इस तरह की कल्पना जड़ी है वो पंजाब विच्चों खत्म करन लई अपना जी दम लगा देंगे सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच असी अपना हर कदम बच्चों का भविख सुंदर बनाने लई लगावांगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद मैम चैटबॉट लॉन्च करन तो पहला मैं मानयोग सीएम साहब नूं बेनती करती हाँ कि वह अज का अपना सुनेहा साडे सारयां नाल सांझा करन सर मंच ते मौजूद डीजीपी पंजाब श्री गौरव यादव जी मेरे कैबिनेट दे कोलीग डॉक्टर बलजीत कौर जी ते जिन्हां कोल सोशल वेलफेयर चाइल्ड और महिलावां दी सुरक्षा संबंधी मंत्रालय ऑनरेबल जस्टिस निर्मलजीत कौर जी एडीजीपी गुरप्रीत कौर दियो जी पुलिस दे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर साहबान पंजाब नूं एक खुशहाल ते शांत सूबा बनाउण लई दिन रात मेहनत करन वाले बहुत सारे पुलिस दे जवान वख-वख अहुदयां ते तैनात एनजीओज वख-वख खेत्रां दे विच काम करन लई खास तौर ते बच्चियां ते लेडीज़ लई काम करन वाले सारे एनजीओज अज दे इस विलक्षण प्रोग्राम दे विच तुसीं पहुंचे हो तुहाडा चले होया एक कदम साडे सिर मत्थे सब तो पहले मेरे वालों सारयां नूं सति श्री अकाल नमस्कार जिस तरह मेरे तो पहला बोलदे आ डॉक्टर बलजीत कौर जी ने और डीजीपी साहब ने दस्या कि पुलिस ते पब्लिक दा जिहड़ा गैप है उन्हों असी घटाउण दी कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी हो रहे हैं आम तौर ते दो तीन थावां बारे इदां दे विचार ने लोकां दे कि जे रब इत्थे ना ही भेजे तां चंगा है एक तां थाणा एक कचहरी एक हस्पताल सो क्योंकि थाणियां च ते कचहरियां जिन्हां दे केस चलदे ने शायद गीतां दे विच तां इह कहा जांदा उत्थे मेले लगदे ने पर जिन्हां दे कचहरियां च केस चलदे ने उहनां नूं पुछ के देखो चुल्हिआं च घा उग पैंदी है जी कई कई डंग चुल्हे ठंडे रहिंदे ने खास तौर पर जिन्हां परिवारां दे विच लड़ाई हो जाए परिवारिक झगड़ा हो जाए कोई पति पत्नी दी अणबण हो जाए कोई भैण नाल झगड़ा पै गया जमीन दा
उत्थे तो आप हर रोज़ अजकल भी खबर पढ़ते हाँ कि सकियां दे भी कतल हो जाते हैं। सो ये जिहड़ी समाजिक दे विच एक अस्थिरता आ गई, कारण उहदा ये हो गया कि असी एक दौड़ च पै गए, जिधर नूं गुआंढी भज्जा जांदा उधर नूं भज्जे जांदे आ, ना सानूं पता है कि जाना कित्थे है, ना गुआंढी नूं पता है, बस उहदे पिछे भज्जे जांदे आ। मैं एक शेर लिखा सी कि वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। असी दूजियां दियां खुशियां तो ज़्यादा दुखी हाँ। जे गुआंढी कार ले ले, असी ये नहीं सोचते कि मैं भी मेहनत करके तो वड्डी कार लूँगा। असी सिर्फ यही सोचते रहने, कोई गल नहीं हारन मार के लंघदा, कदे झरीटां पावांगे, और झरीटां पा भी दिंदे आ असी, सानूं आउंदियां भी ने, लंघदे लंघदे झरीट पा दिंदे आ, उहदे च खुशी मिलदी सानूं। सो इह जिहड़ा कल्चर है, देखो किसी नूं थल्ले ला के आप कामयाब होंगे उहनूं कामयाबी नहीं मन्निया जांदा, उह भी कामयाब होवे तुसीं भी कामयाब होवे तां सारे समाज दे विच कामयाबी होगी। तुसीं पिछले दिन एक घटना हुई है साडे पिंड, दो तीन साल पहला इदां दी घटना हुई कि जायदाद करके छोटे जे बच्चे नूं गोली मारती। बच्चों का की कसूर है जी, भी ये इनू ना दे दे, जा इन्हें जड़ा बापू ने किला लवाया सी, बद किला बापू ने उन्हों लवाता बड़े भाई नू, ये फिर कोई गल नहीं, फिर ये किनू देऊगा मैं ते बच्चे नू, उन्हें बच्चा ही मारता जी। सो बच्चा बच्चे सॉफ्ट टारगेट ने, लेडीज सॉफ्ट टारगेट ने, फिर सोशल स्टिगमा है कि छड्डो जी घर की गल घर ही रखो जी, कानू बधाउणी है जी गल। मेरे को जो मैं MP हुंदा सी 99% 98% मसले घरेलू झगड़े होंदे सी, और घरेलू झगड़े वह भी किसी बगाने नाल नहीं, ताए नाल, चाचे नाल, भूआ नाल, मासी नाल, जमीना दे झगड़े, एक दूजे शरीकेबाजी होगी। सो यह जिहड़ा समाज दे विच बरतारा है गलत है, इनू हल ताइयों किया जा सकता जे आपां मौके ते उन्हां दा कोई ना कोई उन्हां दी काउंसलिंग हो जाए, जो उन्हां नू इस गल बारे दस्या जाए कि छड्डो परे, हरेक ने इत्थों चले जाना, दुनिया धरती उदों दी खड़ी है जी, किन्ने हज़ार सालां दी, कई हज़ार साल रहूगी, ये किसी की नहीं होई जी, रजिस्ट्री ने नाम बदलते ने, ये इत्थी खड़ी है, ये किसी की नहीं हैगी, किसी के नाम 50 साल रह जाती है, किसी के नाम 60 साल रह जाती है, रही इत्थी है पर। सो फिर तरीके इन्ने बेरहम हो गए, इंसान इंसान नू किवें लुट्टण लग गया। उहदे चों एक तरीका यह भी सी जो नुक्कड़ नाटक च दिखाया कि बच्चों नू किडनैप करके उन्हां तों भीख मंगाउणी, उन्हां दे दोनों बाहां बढ़तियां, बेचारे बनाया गया। ये बहुत वड्डा एक मतलब गैंग है, जे तुसी दिल्ली बॉम्बे देखो तो यह बहुत फिल्मों भी दिखाया गया कि गैंग ने तो कमाइया करते ने, किन्ने बच्चों तो की कमाइया ने, मतलब इन्ना पत्थर दिल हो चुका है इंसान। सो अज बहुत वड्डी पहल मैं कहूँगा कि पंजाब पुलिस ने ली है कि क्योंकि जमाना डिजिटल हो गया, तो डिजिटली जे शिकायत आने लग जान, एक तो वो स्टिगमा नहीं आता कि मैं मैनू थाने जांदी नू जे किसी ने देख लिया फिर रोक की कहणगे, ये अद्धा अद्धियां तो वध शिकायत इस करके नहीं आउंदियां। जस्टिस निर्मलजीत कौर बैठे ने, हज़ारां केस इन्हां कोले हजे आउंदे होणे। फिर अगे जो सवाल पूछे जाते हैं पुलिस वालों, उन्हां दे जवाब कौन देगा? सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां नूं क्लोजली वाच करके कुछ इदां दे अल्टरनेटिव देने पैणगे कि उन्हूं शिकायत लिखाउण वेले कोई दिक्कत का सामना ना करना पवे, कोई झिझक ना होवे। कनेडा अमरीका च है, छोटे छोटे बच्चों सिखा देते हैं, उन्होंने ABC बाद सिखाते हैं, 911 पहला सिखाते हैं। सो 911 दसते हैं
ने पुलिस आ जाती है चाहे 911 दब के तुसी बोलो भी ना फोन कट दो नाल ही एक बार तो आउणगे वो अगे डिफरेंट गल है कि तुसी कह दो कि इट्स ओके बच्चे ने गलती ना दबता जा करो पर फिर भी वो शक दी ने ना देखते हैं कि बच्चा इदा गलती ना 911 नहीं दबदा सो उत्थे जिहड़ा वो इस तरह के झगड़े है बहुत है उत्थे तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा है पर घट्टो घट इस तरह के झगड़े नहीं है कि कुट खा के भी उस घर रहना है तो पंचायतों ने कहता जी 3 महीनों बाद समान चक लिया जी या 3 महीनों बाद समान वापस ले जाओ जी मैंने समझ नहीं आती भी 3 महीने अलग रह के एक दूजे नाल झगड़े करके उस तो बाद 3 महीनों बाद समझौता हो गया फिर किवें रहिंदे होणगे इकट्ठे हो कहिंदे जिंदगी दे गड्डी दे 2 पहिए ने हसबेंड वाइफ जिहड़े ने मैं समझ नहीं आती कि साढ़े किवें उन्होंने धक्के नाल ही नहीं जी नहीं इज्जत नहीं रहिंदी इत्थी ठीक है जी चलो जी तोरो कुड़ी नूं तोरो सो अज दा जमाना बदल गया जी अज कुड़ियां जिहड़ियां ने उह पढ़ लिख के अपने पैरां भार हुंदियां ने पहला फिल्मां च भी देखते सीगे कि घरों कढ दित्ता जांदा सी अपने आम भी हुंदा सी घरों कढती भी फलाना ने हुण नहीं कढदे जी घट ने क्योंकि पहला कल्ली हो जांदी सी हुण नाल घर की अद्धी इनकम भी जाती है वह कहते नहीं नहीं इत्थे रह तू इत्थे रह फिर आ गई आर्थिकता फिर जुड़ गई इत्थे सो जिहड़ी कुड़ी कमाउंदी है उन्हों घरों कढ़ने के चांस बहुत घट जाते हैं क्योंकि उन्होंने पता भी कमा के लिया है नहीं तो उन्होंने बेचारी यही लगे रहा जे मैनू घरों कढ़ता फिर मैं कितने जाऊँगी बापू के घरें क्यों जाऊँगी मैं सोशल चिगवा कुड़ी घरें आ गई है सो इस तरह ही बच्चों का लगे रहा बच्चों पर भी जड़ा इस तरह का टॉर्चर जिमें आ बच्चों ने बहुत सोहना नाटक पेश किया कि मेले चो गुम हो गए उन्होंने कोई लै गया बरगड़ा के इनफॉर्मेशन प्रॉपर आई नहीं हालांकि लब गए सी पर कित्थे दस दे सो वो कित्थे दसण वाला जिहड़ा ऐप है जिहड़ी अज असीं लॉन्च कर रहे हैं कि कितें भी तुहानू कोई इस तरह का पंजाब दे विच कोई मिले इस तरह का बच्चा जिहड़ा घरों गुम हो गया कई बार कोई बच्चे जज्बातों च रुस के भी घरों आ जाते हैं तो वह तुहानू कोई इस तरह दिसे तो तुसीं अपनी ऐप के उत्ते एक बार इनफॉर्मेशन दे दो बाकी अगे पुलिस जिहड़ी है वह अपनी कार्रवाई करेगी संयोग नाल डॉक्टर बलजीत कौर दे जिहड़े फादर साहब ने मेरे नाल एम पी रहे ने प्रोफेसर साधु सिंह जी शायर ने पंजाबी दे फरीदकोट तो एम पी रहे ने 2014 तो 2019 तक फरीदकोट दे विच बहुत सारिया घटनावां इह जिहियां बच्चे गुम होण दीआं हुंदीआं सी उन्होंने लोक सभा दे विच वी मुद्दा उठाया सी कि बहुत ज़्यादा बच्चे जिहड़े ने उह गुम हो रहे ने इहदा की करिए जी की इनफॉर्मेशन सो पुलिस कोल बहुत ज़्यादा काम ने आपां कल्ला इह भी नहीं कह सकते ना कि जिम्मेवार पुलिस है सो असीं थोड़ा जिहा काम घटाउण की कोशिश कर रहे हूँ 2-3 तरीके नाल एक तां डिजिटल पुलिस नूं कर दईए तां काम थोड़ा जिहा घट जाऊगा जे जगह जगह पर CCTV कैमरे होण उन्हां दी जिहड़ी मोनिटरिंग है वह थाणियां च होवे बतौर मैंबर पार्लीमेंट मैं इह कीता सीगा धूरी दे विच लगे हुए ने कैमरे बरनाले च लगे ने महल कलां च लगे हुए ने सुनाम भवानीगढ़ दिड़बा खनौरी असी सारा लोक सभा हलका CCTV कैमरे जिहड़े कॉर्डलैस कैमरे ब्रिस्टो दे जिहड़े IPL वर्गे टूरनामेंटां च वरते जांदे ने असी वो लवाए हुए ने ते मोनिटरिंग जिहड़ी है उहदी थाणे च है तां ईजीली पुलिस जिहड़ी है मोनिटर कर सकदी है कि कित्थे की हो रहा है असी जानदे हां कि पुलिस वाले भी ह्यूमन बीइंग ने वह भी उन्हां दीआं भी रिश्तेदारियां ने उन्हां दे दोस्त मित्र ने वह भी अपने समाज च ही ने सो उन्हां नूं भी असी सब तो पहला हुण सार एक पहला काम किया कि 80,000 दे लगभग नफरी है असी सारयां दे जन्मदिन जिहड़े ने उह रिकॉर्ड ते लैके हर पुलिस वाले नूं उहदे जन्मदिन वाले दिन एक बहुत सोहना जिहड़ा उह ग्रीटिंग कार्ड जांदा तुहाडे भी आया होणा कितें ना किसे ने करे जन्मदिन वाले दिन उहनूं बधाई दित्ती जावे उहदे मापिआं उहदे बच्चिआं नूं खुशी होवे बच्चे अगले दिन स्कूल जाके दिखाउण मेरे पापा नूं अज जिहड़ा
जन्मदिन का बधाई आई हैं पापा के डिपार्टमेंट वालों, नहीं तो मैं पता जन्मदिन फरलो लैके ही किए मनाए जाते हैं भी मैं तू मेरा मनवा दे मैं तेरा मनवा दूंगा, मैं पता है मैं बहुत लो लैवल तक पता है, ठीक है ना। सो इस करके बजाय इस दे के वो अच्छा वो जन्मदिन की जो फरलो लैके किया फेसबुक पर भी नहीं पा सकते कोई फोटो फोटो क्योंकि फिर वो पता लग जाता तू करें गया होगा, ठीक है ना। सो कई बार कैमरिया का भी मैं तेन दसदा कैमरे लवाए असी सुनाम भी कैमरे लवाते डॉक्टर संदीप गर्ग जे एस एस पी मोहाली ने एस एस पी संगरूर से उन्हें मैं बड़ा वधिया दस्या गल कहिंदे भी मोनिटरिंग जी है कैमरे लगे हुए ने ते वो जिहड़े पुराने हौलदार ने मतलब 55-56 साल की उम्र होगी पुरानी बैच दे ने उन्होंने टेक्नीक बारे नहीं पता इन्ना तो वो बारे कहिंदे शिकायत सी भी वह आम तौर पर जिहड़े शू ने यूनिफॉर्म वाले पाउंदा नहीं सी होर शू पा लैंदा सी तो उहदे जदों मोनिटरिंग उत्थे थाने च कीती तां उस कैमरे नूं जदों क्लोजअप करके देखिया तो डी एस पी साहब ने फोन किया भी गुरमेल सिंह बाकी तो ठीक है तू शू अज फेर नहीं पा के आया वर्दी दे नाल दे ओह कहिंदा जी शू छड्डो जी चाहे नौकरी तो कढ़ दो मैनूं ये दस तुसीं देखी कित्थों जाने हो मैनूं ना तो तुसीं इत्थों ही लंघे हो ना कोई होया कहिंदे कित्थों देखी जाने। सो उन्होंने ये नहीं पता सी कि कैमरा एक देखी जाता है। सो तीजी अख जे पंजाब पुलिस नूं मिल जाए तो इहदे नाल बहुत सारा मसले हल होण च बहुत ईजी हो जाता। सो अज ये जिहड़ी ऐप है जिहनूं लॉन्च कर रहे हैं इहदे नाल बहुत सारा डिजिटली सानूं जदों शिकायतां मिलणगियां तां उस तों बाद जे रिएक्ट ना करिए फिर साडी गलती है। जे शिकायतां मिलणगियां शिकायत ते रिएक्ट ना करिए टाइम लग जाए फिर असीं कह सकते हैं कि साढ़े कितने कितने कमी है पर जो शिकायत मिलती है उस तो बाद जिहड़ा एक्शन लेना वो साडा एक्शन जिहड़ा वो बहुत ही क्विक होना चाहिए। तो बाकी असी मैं ये भी तुहानूं दस दिया कि इस वक्त 10 ने पर पहला संगरूर जिले च असी बनाया संगरूर सिटी च ओनली फॉर लेडीज़ थाने ने 10 महिलावां लई थाने ने उत्थे महिला कर्मचारी ने महिला ही SHO है और जिहड़ी रिपोर्ट लिखाउण वाले ने वो भी महिलावां ही आउंदियां तां इहदे नाल ईजी हो जाता थोड़ा जिहा 10 ने टोटल असी इहनां नूं वधावांगे हुण ताकि कोई स्टिगमा ना रहे जां कोई इस तरह की कोई बाद दे विच उही गल बहुत वड्डी बन जाती है सुसाइड तक चले जाता कतलों तक चले जाता काम जे कि मौके पर संभाल लिया जाए पहले स्टेज पर ही तो सियाने कहिंदे आ कि जिद नाल मसले बिगड़ जाते हैं रजामंदी कर लो तो निबड़ जाते हैं। सो साडा हजे भी साडे जिहड़ा भ्रूण हत्या जा जिहड़ा कुटमार ये बहुत हजे प्रचलित है। आपां इह कहिंदे आ कि इस साल जिहड़े ने आम तौर पर कहते हैं कि इस साल रेप दे केस दे जिहड़े ने जां छेड़छाड़ दे केसां च इन्नी वृद्धि हो गई वृद्धि नहीं हुंदी हुंदे पिछले सालां च भी उन्ने सी हुण लिखाउण लग गए लोग हुण रजिस्टर होण लग गए वो रिकॉर्ड ते आउण लग गए हुण पहलां लिखाउंदे नहीं सी छड्डो परे आपां की लैणा बदनामी हो। सो ये जिहड़ा सोशल स्टिगमा दूर करना पंजाब पुलिस दा एक पहला मोटिव है। पंजाब पुलिस दे विच बहुत सारियां लेडीज़ जिहड़ियां अफसर ने और पंजाब दी हिस्टरी च पहली बार हो रहा है इस वक्त टिल टूडे के 5 जिलों दियां SSP लेडीज़ ने इस वक्त 5 7 DC ने जी 7 डिप्टी कमिश्नर ने कुड़ियां और सारे जिले जिते जिते भी है बड़े शांतिपूर्वक चल रहे हैं क्योंकि कन्वेंसिंग पावर बहुत होंगी है लेडीज़ की मना लेंदियां ने वो तो बड़े बड़े ने मना लेंदियां और वो भी बिना मारकुट किए आप घरें मनते नहीं आप सारे कोई हथियार नहीं चलता घरें कोई 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 टॉर्चर नहीं होंदा बस अखां नाल ही मना लें ये तो है कला रब ने दिती है ना 5th सेंस ये तो कुदरत दी है ना। सो असी चाहते हैं कि तरक्की कर साडियां धीआं
साड़ियां त्रियाणियां उड़ारियां मारन, उन्हां नूं समान मिले उच्चा उड्डन लई, तां उम्मीद यही है। मैनूं उम्मीद नहीं, मैनूं यकीन है कि वह बहुत सारिया जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां पदवियां ने उन्होंने बहुत छोटियां बन जांदियां ने जे उन्हां नूं माहौल दिता जाए। मेरी एक कविता अज दे माहौल च मैं छड़ाउणा चाहुंदा, ए रूप मेरा ज़्यादा बाहर नहीं आया हजे, मैं लिखता रहिंदा जदों एज एन आर्टिस्ट विचरदे रहिंदे सी। कुड़ियां बारे ही है, एक कुड़ी जिहड़ी है वह की लिखदी अपने जम्मण तो लैके जो दिन होया, वह कहती है ना तो मैनू जम्मण तो पहले ही मारिया गया, ना ही मेरे जम्मण का दुख ही सहारिया गया, ना तो मैनू जम्मण तो पहले ही मारिया गया, ना ही मेरे जम्मण का दुख ही सहारिया गया, ना मैनू खुल के हसण का मौका दिता गया, ना ही मैनू दिल दियां दसण का मौका दिता गया, ना ही मेरा खिडौणियां वाला चा पूरिया गया, भरा नाल जदों भी लड़ाई हुई तो सिर्फ मैनू घूरिया गया, मैनू मुंडे अगे नीवी पा के बहन नू कहा गया, सिर्फ ते सिर्फ हां कहन नू कहा गया, इच्छावां ते चलदियां ने रवाजां दियां रंदियां, दूजे घर जाके भी उही पाबंदियां, बद रहियां ने हुण लालच दियां छल्लां, मैनू वापस पेके भेजण दियां चलदियां ने गल्लां, वे दसो वे रीति रवाजो हुण किहड़ा दर मल्लां, जां तां मैनू जमदे ना जां जिउण दा माहौल दिंदे जां फिर दाज विच बंदूक पिस्तौल दिंदे, अंबरी उड़दियां कूंजां नूं भी अपनी मर्जी दियां छतरियां ते तारिया गया, ना तां मैनू जम्मण तों पहले मारिया गया, ना ही मेरे जम्मण दा दुख ही सहारिया गया। सो जे तुसीं कोई कुड़ी जम्मती नहीं अबोशन कराया तो समाज ते कोई सान नहीं कीता, उहनूं अग्गे फिर जिउण दा माहौल दिओ, पढ़न दा माहौल दिओ। कई बार की होंदा धी जमती 20-21 साल बाद किसी दाज के लालचे नूं फड़ा दिंदे आ कि भाई साथों तो मरी नहीं तू मार दे। विमन डे ते जदों लोग सभा च डिबेट हुई मैं उहदे च एक बोलिया सी गल कि एक कुड़ी जिहड़ी हजे जम्मी नहीं माँ दे पेट चों आपदी माँ नाल गल कर रही है, आ जा बैठ नहीं माए गल्लां करिए कम दियां, आ जा बैठ नहीं माए गल्लां करिए कम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मामा ही ने जम दियां, की पता मैं जम देवां, कोई अगम्मड़ा मर्द नहीं माए कुख दे विच ना कतल कराई, यही मेरी अर्जनी माए। सो की पता किहड़ी माँ ने किहड़ा सूरमा पैदा कर देना, सो धियां त्याणियां नूं भी जम्मण दा जिउण दा माहौल देईए, बच्चों की परवरिश ऐसी होवे, उच्च सिक्ख्या होवे उन्हां कोले, उन्हां दे हत्थां च डिग्रियां होण वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लैवल दी एजुकेशन दियां, उन्हां दे हत्थां च कंप्यूटर आईपैड लैपटॉप लेटैसट जिहड़े इक्यूपमेंट ने वह होण, असीं अपने बच्चों नूं पढ़ाईए, क्योंकि नींह है जिहड़ी नींह वाली इट जिहड़ी है वह दिखती नहीं हुंदी, आ बिल्डिंग बहुत सोहनी है बाहर तो जिन्ने मर्जी तुसीं ला लोगे रंग भी कर दोगे, पर जदों नींह वाली इट खरीदन जाने भट्ठे वाले को आपां इह कहिंदे आ कि भाई नींह वाली इट है 1 रुपया 2 रुपये वध ला ली भा, पर इट माड़ी ना दें दोम ज सोम ना दें। सो नींह वाली इटा जिहड़ियां ने जिहड़ी बिल्डिंग दियां नीहां मजबूत ने वह बिल्डिंगां दियां जिहड़ियां उहदी जिहड़ी एक्सपायरी डेट है वह बहुत लंबी हुंदी है, वो बिल्डिंगा ज़्यादा देर चलदियां ने। सो ये नीहां ने बच्चे ये अपने साडे धियां त्याणियां ते साडे जिहड़े नौजवान ये सारे नीहां ने, नीहां वधिया चिणियां गईयां तां कौम उसर जांदी है, कौम दी जिहड़ी वैलिडिटी है वह बहुत ज़्यादा देर चलती है, कौमां आप ही सिरज लैंदियां ने, बाकी गलियां नालियां बनाउणा बहुत छोटे काम ने, कौम बनाउणा बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डे काम है। सो असी कोशिश करिए सारे रल के कि असी इस पंजाब नूं जिहड़ा एक साडे ते इह भी लग्गिया होया हजे भी असी 15वें 16वें नंबर ते आ, जिहड़ा लिंग अनुपात है 1000 मुंडे मगर मेरे ख्याल 800 96 75 दे विच असी 15वें 16वें नंबर ते असी हजे भी इन्नी पढ़ाई दे बावजूद भी इन्ने पढ़े लिखे होने दे बावजूद भी। सो ये दिल चों कढ़ीए एक तां कि असी जिहड़ा वो आम तौर ते साडे गीतां दे विच भी इस तरह दा हुंदा ज़्यादा प्रेज़ की जाती है मुंडियां की, पर
बच्चे ने बच्चे बराबर देने परमात्मा मेहर करे तंदुरुस्त रहन बस। सो अज मैं इस मौके पर DGP साहब नूं और उन्हें सारी टीम नूं बहुत बहुत बधाई दिना कि उन्होंने एक ऐसी ऐप एक मिसिंग चाइल्ड जिहड़े ने उन्हां जिहड़ा चैटबॉट है वो लॉन्च किया है। उम्मीद है नवी टेक्नोलॉजी नाल असी बहुत सारे बच्चों दी जिंदगियां बदल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी रुलण तो रोक सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चों नूं जीवन दे सकते हैं। तो अज के जमाने जे किसी दे काम आया जाए तो वह तो बड़ा कोई पुन जिहड़ा वह नहीं मन्निया गया। किसी के काम आना अपने लिए तो हरेक कमाउंदा है, अपने लिए तो हरेक करता है, पर जे किसी होर दे काम आईए तो वह तो बड़ा कोई पुन नहीं समझा जाता। सो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं मैनूं बहुत माण सत्कार नाल सुनिया, बहुत बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल सर। ऐप का नंबर हैगा जी 95177 95178। सो मैं धनवादी हाँ CM साहब दी कि उन्होंने इनू आगाज़ किया उन्होंने शुभ कर्म कर कमना नाल। ते हुन असी दर्पण दर्पण प्लीज टेक ओवर, एक शॉर्ट वीडियो है सर ये उत्ते ही। पता नहीं मेरा पुत्र कित्थे रह गया, सवेर तो शाम हो गई पर उदा कुछ हता पता नहीं मिल रहा। मैनूं झट उहदी खबर चाहीदी है पर किवें? लगता है बच्चा अपने मां बाप तो विछड़ गया है, मैनूं उहनां नूं लभण च इहदी मदद करनी चाहीदी है पर किवें? इस बच्चे दी रोण दीआं आवाजां देर सवेर आउंदीआं रहिंदीआं ने, इस दे शरीर ते तरह तरह दे निशान वी हुंदे ने। ना ही मैं कदे इन्नू किसी स्कूल जांदे देखिया है, इस विचारे नाल जरूर कुछ गलत हुंदा है, इहदी मदद करनी पवेगी पर किवें? उन्हां बच्चियां दी मदद करन दे लई जिन्हां नूं पुलिस दी सहायता दी लोड़ है, पंजाब पुलिस दा नवा उपराला है पंजाब पुलिस चैटबॉट हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। पंजाब पुलिस हेल्पलाइन नंबर 95177 95178 ते व्हाट्सएप राही संपर्क करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पुछे गए सवालां दा जवाब दो अते बच्चे बारे सारी जानकारी दर्ज कराओ। एह जानकारी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम नूं भेजी जावेगी ताकि ओह अगे संबंधित इलाके दे पुलिस स्टेशन नूं सूचना दे सके अते नाल ही कानूनी कारवाई शुरू हो सके। इस तो 24 घंटे बाद पंजाब पुलिस दा 181 हेल्पलाइन ऑपरेटर तुहाडे नाल लगातार संपर्क विच रहेगा अते तुहानूं समय समय दी जानकारी दिंदा रहेगा। जेकर कोई बच्चा गवाच गया है या कोई गवाचा बच्चा थानू मिलिया है या किसी बच्चे नाल हो रहे शोषण दी थानू कोई जानकारी है या फिर किसी ते थानू बच्चियां नाल बदसलूकी करन दा शक है तां वी तुसी 95177 95178 ते व्हाट्सएप मैसेज करके पंजाब पुलिस चैटबॉट हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन दे राही लोड़वंद बच्चियां दी मदद कर सकते हो। पता नहीं मेरा पुत्र कित्थे रहे। टीम डिग्निटरीज नूं बेनती करदी हां कि साडी सांझ न्यूज़लेटर नूं वी रिलीज़ करन। थैंक यू सर मैम। हुण असी पंजाब दियां 11 सर्वोत्तम पंजाब पुलिस महिला मित्र नूं उहनां दी वड्डिया कारगुजारी लई शाबाशी दिंदे होए CM साहब वल्लों शील्ड अते DGP साहब वल्लों कमेंडेशन सर्टिफिकेट नाल सम्मानित करांगे। सर सब तो पहला सीनियर कॉन्स्टेबल मलकीत कौर फ्रॉम अमृतसर।
कॉन्स्टेबल गुरविंदर कौर फ्रॉम जलंधर, कॉन्स्टेबल मंजीत कौर फ्रॉम लुधियाना, सीनियर कॉन्स्टेबल गुरमीत कौर फ्रॉम अमृतसर रूरल, कॉन्स्टेबल मनप्रीत कौर फ्रॉम फाजिलका, सीनियर कॉन्स्टेबल रेणु शर्मा फ्रॉम होशियारपुर, कॉन्स्टेबल रिम्पी फ्रॉम एसपीएस नगर, कॉन्स्टेबल रमनजोत कौर फ्रॉम एसएएस नगर, सीनियर कॉन्स्टेबल बिक्रमजीत कौर फ्रॉम संगरूर, हुण मैं मानयोग सीएम साहब नूं बेनती करदी हाँ कि साडे अज दे एसटीम गैस्ट नो टोकन ऑफ थैंक्स एंड एप्रीसीएशन देन। डॉक्टर बलजीत कौर मैडम, जस्टिस निर्मलजीत कौर मैम, मैं स्पेशल डीजी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन गुरप्रीत दियो मैम नूं बेनती करती हाँ कि वो डीजीपी साहब नूं टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दें। मैं मानयोग डीजी साहब नूं बेनती करती हाँ कि वो साडे अज दे मुख मेहमान सीएम साहब नो एक सम्मान चिन्ह प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। समागम विच आए सारे मेहमान जिहड़ा कि अपना कीमती समा कढ़ के अज पहुंचे ने, उन्हां नूं दिलों धन्नवाद। प्लीज ज्वाइन अस फॉर टी, आफ्टर विच वी विल कमेंस विद द वर्कशॉप्स। थैंक यू।